गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण स्वागत करछि मोजिता। फ्रेंड्स, प्रत्येक दिन भली बहुत गुडिये बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिटरे रही। महामारी के केते आक्रांत केउ जिल्लारु केते सुस्थ होइछन्ति संपूर्ण खबर आम एही भिडियो माध्यम रे रहिछि। तेनु आपण माने 2 मिनिट अधिक समय दे एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आज दिन खबर जानिबा पई आपण को कोनोसी भिडियो किंबा न्यूज पेपर देखबा को पड़िबनि। सेतिपे चलंतु डेन करि एही भिडियो उपर नजर पकाइबा। नजर पकवा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिड देखुंत तो तले दिखा नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखर थी घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिड सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिड आणव आपण पहुँच सर्वप्रथमे। नंबर एक, आज आरंभ होक्त दुई छात्र छात्री टी क्लास आज युक्त दुई छात्र छात्री टी क्लास आरंभ हो तेबे आसंता 2021 मसीह रे फाइनल परीक्षा देवाक जाउथिबा छात्र छात्रीं पई ओडिशा सरकार टीवी क्लास आरंभ करबाक निष्पत्ति लेइछंती। तेबे स्कूल ओ गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास एने सूचना प्रदान कइछंती। तेबे आजिठारु दूरदर्शन माध्यम रे टीवी क्लास आरंभ हेबो एवं विशेषज्ञ शिक्षक मानक द्वारा आयोजित क्लास सप्ताहक 5 दिन सोमवार रु शुक्रवार सकाल 10टा रु 11टा जाय पर्यंत हेबो बोली से कइछंती। एवं आउटे मध्ये कहिछन्ति जे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई एहि परिप्रेक्षीरे छात्र छात्री को समस्त संभाव्य सहायता प्रदान करबा बोली सूचना मिलिछि। नंबर दुई, ओडिशा मो परिवार पक्षरु जेई मेन छात्र छात्री को सहायता मुख्यमंत्री नवीन पंडा निर्देश में ओडिशा मो परिवार तरफ सुदृढ़ ओडिशार कोण अनुकोण आसी भुवनेश्वर विभिन्न परीक्षा केन्द्र में ओडिशा जेई मेन परीक्षा देउतबा समस्त परीक्षार्थी मानको हेल्प डेस्क माध्यम रे सामाजिक दूरता नियम को अनुसरण करी सानिटाइज पानी जल बिस्कुट बटर करा सहित सेमानकर उज्ज्वला भविष्यत कामना करा जायछि। तेबे एही कार्यक्रम रे ओडिशा मो परिवार राज्य संयोजक अनुत सभ्यसाची नायक राज्य संयोजक रुद्र सामंत राय भुवनेश्वर उत्तर संयोजक डॉक्टर प्रकाश त्रिपाठी ओ युव बिजेडी साधारण संपादक लोकेश कुमार बाणी कल्याण महांती सौम्य रंजन प्रधान एवं 40 रु ऊर्ध स्वेच्छासेवी माने उपस्थित रही परीक्षार्थी मानू उत्साहित करने सहित समस्त प्रकार सहयोग करते। नंबर तीन, युक्त दुई विज्ञान प्रवेशिका फीस छाड़ मैट्रिक परीक्षा कृतिकार्य हो युक्त दुई विज्ञान पढ़ाक चाहूबा गरीब मेधावी छात्र छात्री मानक प्रवेशिका फीस छाड़ करने निष्पत्ति आमेज। तेरे यही कनिष्ठ महाविद्यालय कर्मकर्ता और निर्देशक केन्द्रापड़ा आकाश कोचिंग इन्यूट्र निर्देशक अध्यापक वेणुधर साहु ए संपर्क सूचना दे कहते। तेबे महामारी पे राज्य आर्थिक अवस्था विपर्यस्त हो पड़ी एवं लोक मैंने जीविका हर पशी बेले व्यवसाय बंद हो लोक आर्थिक मेरुदंड कि मानदंड विपर्यस्त हो पड़ी से पाने मैट्रिक परीक्षा कृतिकार्य हो सारी पिला अधिक पाठ पढ़ाक पाखे पैसा नहीं तेणुक से एमती घोषणा कर। नंबर चार, महामारी परीक्षा पर बदलला नियम महामारी मुकाबला क्षेत्र में केतेक नियम परिवर्तन करा जाए तेबे केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय मार्गदर्शिका जारी कर यह सूचना देखिए एणिकी टेस्टिंग डाक्तर परामर्शर आवश्यकता होबना है एवं कौनसी व्यक्ति चाहिए निज इच्छा अनुसार निज नमूना परीक्षा करे एवं टेस्टिंग प्रक्रिया को अधिक सरल कर शीघ्र महामारी संक्रमित को चिन्हट करने सकाशे यह पदक्षेप नि तेबे एही क्षेत्र में निष्पत्ति नेबा निमन्ते केन्द्र सरकार राज्य सरकार को स्वाधीनता प्रदान करिसंती एवं आरटीपीसीआर टेस्ट एवं आंटीजेन टेस्ट को नहीं मध्य नियम केतेक परिवर्तन करा जायछि। तेबे आंटीजेन टेस्ट जणकर रिपोर्ट पॉजिटिव आसीबा परे पुनर आरटीपीसीआर टेस्ट करा जीवो नाहे। नंबर पाँच, ऑटो शिल्प को आश्वस्ति गाड़ी उपरे कमी पारे जीएसटी ऑटो शिल्प को खूब शीघ्र खुशी खबर मिली पारे। तेबे गाड़ी उपरु सामग्री एवं सेवा टिकस जीएसटी ह्रास हो पारे तेबे केन्द्रमंत्री प्रकाश जावेदकर शुक्रवार दिन यह संकेत देते ऑटोमोबाइल शिल्प पर स्पापेज नीति पर प्रस्ताव प्रस्तुत अच्छी समग्र अंशीदार एने निज निजर मतामत दे प्रकाश जावेदकर प्रकाश करते। तेबे गाड़ी उपरु जीएसटी ह्रास संभावना को नहीं से कहते अर्थ मंत्रालय यह तर्जमा करुच्ची से कहते। नंबर छ, आज कोवैक्सीन द्वितीय पर्याय ट्रायल आरंभ आज ठारु महामारी टीका कोवैक्सीन द्वितीय पर्याय ट्रायल आरंभ हेबो बोली गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाई। तेबे आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सहभागितारे हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा वैक्सीन टीका विकसित होइछि। नंबर सात, आसंता 24 घंटा मध्ये एही सब जिल्ला रे रहिछि घूर्णिझड़ संभावना संप्रति राज्य दक्षिण पश्चिम मौसमी वायु दुर्बल स्थिति रे रहिछि तथापि आसंता 24 घंटा मध्ये राज्यर बहु जिले में घूर्णिझड़ व कालबैशाखीर संभावना रही एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी करा जाए।
तेबे जारी करायतिबा सतर्क सूचना अनुसार आसंदा 24 घंटा मध्ये रायगडा कलाहांडी कंधमाल गजपति गंजाम नयागढ़ केन्दुझर मजूरभंज अनुगुल ढेंकानाल सुंदरगढ़ देवगढ़ नुआपड़ा बरगढ़ समलपुर बलांगीर जिले रे गोटे किमा दुटी स्थान रे वज्रपात हेबार संभावना रहिछि। नंबर 8 मोदी सरकार को नुआ योजना 69,000 पेट्रोल पंप रे लागिबो ईवी चार्जिंग क्योस्को। केंद्र सरकार देश रे प्राय 69,000 पेट्रोल पंप रे पाकापाकी गोटे इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन ईवी चार्जिंग क्योस्को लगेबा को योजना करछंती। तेबे इहा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी बा बिजुली चालित गाड़ी को प्रोत्साहन मिलिबो एवं इहा बाद सरकार कंपनी गुडी को सीओसीओ एवं सरकारी रिफाइनरी कंपनी गुडी को द्वारा परिचालित कंपनी रो समस्त पेट्रोल पंप रे ईवी चार्जिंग क्योस्को को बाध्यतामूलक करिवार विचार करा जाय छि। तेबे बिजुली मंत्री आरके सिंह पेट्रोलियम मंत्रालय रो शीर्ष अधिकारी को परामर्श दैछन्दि जे पेट्रोलियम विपणन कंपनी सब सीओसीओ पेट्रोल पंप रे चार्जिंग क्योस्को लगेबा को आदेश जारी करि पारिबे। नंबर 9 राजरपुणी 8 जनक महामारी मृत्यु राज्यपाई दुख खबर। राजरपुणी गत 24 घंटा मध्ये 8 जनक महामारी मृत्यु घटिछि। तेबे इहा फल राज्यरे मोट मृत्यु संख्या 546 को वृद्धि पाइछि। एने राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। तेबे विभाग द्वारा दिया जायतिबा सूचना अनुसारे मृतक मानक मध्ये गंजाम जिल्लार 4 जन रहितबा बले खोर्धा कोरापुट रायगडा और सुंदरगढ़ जिल्लार जणे लेखा मृत्युवरण कइतिबा जणा पडिछि। नंबर 10 आसला ऋण छाड़कुने बहुत बड़ खबर। एवं भी आसला ऋण छाड़कुने बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण एकपटी हेल्प रहा कि समस्त ऋण ग्रहीता एकपटी हेल्प रोह। तो फ्रेंड्स पुणी ऋण छाड़कुने अनेक जिलार अनेक स्वयंसेवक गोष्ठी मैंने एवं ही ऋण छाड़कुने निज निज जिलार कोर्टे अभियोग कर बसिले। बर्तमान समय साधारण लोक क्षेत्र में यह ऋण परिशोध करने भली क्षमता नहीं तेणुक सरकार यह ऋण किस्ती परिशोध समय को वृद्धि करा सहित किसी मात्र ऋण छाड़कुने किसी मात्र घोषणा करते से अभियोग करते मामला को नहीं एवं हाइकोर्टे विषय को नहीं मामला दायर हो सारी। ऋण परिशोध समय टी डिसेम्बर 31 पर्यंत करने समस्त स्वयं सहायक गोष्ठी मैंने प्रार्थना करते तो यह हाइकोर्ट किसी निर्दिष्ट स्पष्ट सूचना देना तेणुक आपण मैंने किसी दिन अपेक्षा करूँ एवं जो द्वारा ही ऋण छाड़कुने आउ कौन खबर आसब आम आपको आउ गोटे भिडियो मध्यम आम ही चैनल मध्यम सर्वप्रथमें जनईदेव ताको देखिए आप कनफर्म होतीपे आम सह सदा सर्वदा जोड़े हो रही था। नंबर 11 अक्टोबर 7 तारीख ने हेबो अनुभव पिटिशन शुणी ओलीउड सुपरहिट जोड़ी कहुवा वर्षा अनुभव बिवाद को नहीं चर्चा जोर धरी। तेरे गतकाली वर्षा अभियोग सामना को आसवाप आज अनुभव महांती वर्षा को नहीं छाड़पत्र दिल्ली पटियाला हाउस पिटिशन दायर कर जमापड़ी। तेरे गत जुलाई 19 तारीख में अनुभव यह पिटिशन दायर करते तेरे पिटिशन शुणी आसंता अक्टोबर 7 तारीख को धार्य कर तेरे छाड़पत्र पिटिशन दायर करने पूर्व आपोष आलोचन परस्पर ठू अलग चेष्टा करते भी अनुभव वकिल अश्विनी दुबे कहते एवं अनुभव एने वर्षा को मेसेज और इमेल जरिए लिखि पठाई। नंबर 12 जारी है आईपीएल कार्यसूची महामारी कारण स्थगित रही इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 13वां संस्करण कार्यसूची घोषणा कर तेरे भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई अनुजाई टूर्नामेंट प्रथम मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस मध्य सेप्टेम्बर 19 आबुधाबी खेल। तेरे यह सहित क्रीड़ा सूची नहीं अपेक्षार घड़ी समाप्त हो रोहित शर्मा नेतृत्वाधीन डिफेन्स चंपियन मुंबई इंडियंस और महेन्द्र सिंह धोनी तीन थर आईपीएल विजेता नहीं सुपर किंग्स मध्य उद्घाटित मैच खेल। नंबर 13 बड़ खबर एवं भी आसला पीएम किसान योजना को नहीं बहुत बड़ खबर जहाँकि आपण एक गोटी हेल्प रोक। तो फ्रेंड्स पुणी मिले को जो पीएम किसान योजना आर्थिक सहायता जहाँकि जो मैंने आपण नाम थी जब आपको टाँचा न मिली से पुणी योजन टाँचा मिलवा को जोकि आपण बहुत बड़ा खुशी खबर एवं योजना मध्यम जब आप आर्थिक सहायता पाइबा चाहते तेज आपको कौन करवाक पड़ो आसतु जाना तेज आप प्रथम आपण ब्यां नंबर ठीक अच्छे कि नहीं देखो एवं आपण पर आधार कार्ड सहित समस्त बरणी ठीक अच्छे कि नहीं देखो एवं जदि ठीक नेबे आपको ए करपसन करवाक पड़े कि फुलफिल करवाक पड़े जहाँकि आपण मानक समस्त को पुणी सेप्टेम्बर मसर योग्य हिताधिकारी को कि नाम हिताधिकारी को पुणी टाँचा मिल जहाँकि योजना तरफ से ही अफिशियाल वेबसाइट नोटिफिकेसन आसी जहाँकि आपण मानी बहुत बड़ा खुशी खबर तेणुक आपण मैंने भी निश्चित था जो दिन ही टाँचा देवार तारीख आसव कि एलाउंस होमें आपको आ गए भिडियो मध्यम आपको यही चैनल मध्यम सर्वप्रथमें जड़ेदेव। नंबर 14 डिसेम्बर 15 भारतीय रेलवे 140,640 पदवी पूरण
ଭାରତ ରେଳ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରେଳବାଇ ଡିସେମ୍ବର 15 2020ରୁ 140,640ରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର 15ରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ 140,640 ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ହେବ। ନମ୍ବର 15 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବରାଦି ଅବଡ଼ା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଲାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଲାଣି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିଥର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଏବଂ ଏହି ବିପଦ ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଯଦି ନ ଆସେ ତେବେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଷେଇକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବୈଠକ ଡାକି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗକୁ ଦେଇ ସାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 16 ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 2,590 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 2,590 ଜଣ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ମିଶି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 96,364କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 432 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 386 ଜଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ 202 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ 142 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 120 ଜଣ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ 108 ଜଣ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ 105 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 78 ଜଣ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ 77 ଜଣ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 77 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 75 ଜଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 72 ଜଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ 71 ଜଣ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 71 ଜଣ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ 68 ଜଣ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 76 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରୁ 61 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 59 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 57 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ 54 ଜଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 44 ଜଣ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ 34 ଜଣ, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ 24 ଜଣ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 20 ଜଣ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 10 ଜଣ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ 6 ଜଣ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 17 ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଲିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାଲିଆନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗାଳି ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାର ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତବର୍ଷ କାଲିଆ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଟଙ୍କା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଦେଉନି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାମାରୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ କେବେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତାହା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛିଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁଦିନ ଏହି ଟଙ୍କା ଦେବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଯିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବୁ, ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।